तो आज इंडियन स्पेक्ट क्राइम थ्रेड में आ चुका है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक यूएफओ जो कि सारे शहर के लोगों को उठा के दूसरे प्लेनेट पे ले जा रहे हैं। तो क्या हम इसको रोक पाएंगे या नहीं, आइए ये देखते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आखिर में कुछ स्पेशल चीज है। तो ये है डिस्टोपियन सिटी जो कि नॉर्मल सिटीज से बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ पे ऐसी अनयूजुअल चीजें होती हैं जो कि किसी को भी नहीं पता है। और ये पूरे वर्ल्ड से छुप के एक अलग जगह पर बनी है जहाँ पे मॉन्स्टर्स से लेके एलियंस तक सब अटैक करते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये बात है रात की। अरे यार इतनी रात हो गई, एक भी ऑटो नहीं मिला यार। पता नहीं हर दिन तो यार कितने ऑटो चलते थे, आज ही एक भी ऑटो नहीं मिलेगा मेरे को। पता नहीं तो रोड पे भी कोई नहीं जिससे मैं लिफ्ट मांगू। है यार कोई भी नहीं है। तो और एक तो यार इतने बादल छाए, लगता है आज तो बहुत बारिश आने वाली है। चलो यार देखता हूँ थोड़ा इंतजार कर कर। लेकिन एक सेकंड, ये मेरे सामने क्या है? ये तो एक यूएफओ है, ये यहाँ क्या कर रहा है? यार ये तो बहुत डरावनी चीज है यार, मेरे को किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। यार तो कोई है भी नहीं यार, पता नहीं क्या हो रहा है। बचाओ कोई, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ फाइनली यार मैं मेरे घर पे आ गया यार। वो क्या था यार, यूएफओ इतना खतरनाक यार, मेरे को तो देख के ही फट गई यार। और उसने तो कुछ उठाया नहीं, लेकिन वो वहाँ पे कोई लाइटें मार रहा था, पता नहीं क्या हुआ यार। रुको मेरे को ना मेरे दोस्त से पूछना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है जिसको शायद इसके बारे में कुछ तो पता होगा। तो चलो उसको फटाफट से यार फोन मिलाता हूँ यार। उसका नंबर राहुल, रो रहा राहुल, तो उसको फोन करता हूँ मैं। ठीक है भाई, समझ गया भाई, ठीक है ठीक है। तो यार उसने ऐसे कहा कि तेरे पास एक ड्रोन है, तो उस ड्रोन से देख के आखिर वो यूएफओ इस समय कहाँ है। और अगर तेरे को उस ड्रोन से यूएफओ मिल जाता है या फिर कुछ भी ऐसा मिलता है जो उससे रिलेटेड है तो मेरे को फटाफट से फ़ोन करना। तो अब मेरे पास जो मेरा ड्रोन है जो कि मैंने छुपा के रखा था, अब मेरे को फाइनल उसको निकालना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने मेरा ड्रोन छोड़ दिया है और अभी उसे देखेगा कि आखिर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर कुछ मिला तो मैं फटाफट से मेरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ। तो फाइनली मैंने मेरा ड्रोन छोड़ दिया है और सबसे पहले मैंने इसको भेजा है एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पिछले 22 साल से खाली पड़ा है और इसमें एक भी इंसान नहीं आया है। और ये एयरपोर्ट भूतिया भी माना जाता है, इसलिए शायद इसमें एलियन का कुछ हमारे को सबूत मिल जाए। लेकिन एक सेकेंड, ये बंकर, ये तो यहाँ पहले नहीं था। नहीं ये बंकर नहीं है, ये कोई पता नहीं घर सा लग रहा है मेरे को। ये यहाँ कब आया, ये तो पहले यहाँ था ही नहीं। रुको यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चीज है, मेरे को खुद ही चेक करना पड़ेगा यार। इसका तो गेट भी लॉक है, यानी पक्का यही पे एलियंस है। अब मेरे को यहाँ जाके खुद चेक करना पड़ेगा। तो अंदर जाने से पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ नॉर्मल है तो अंदर मैं जा सकता हूँ, नहीं है तो नहीं जा सकता। वेल गेट तो बहुत नॉर्मल है, सो यानी कि अंदर मैं जा सकता हूँ, क्योंकि एलियंस आएंगे तो कोई निशान भी तो होगा ना। लेकिन मेरे को हल्के हल्के से जाना पड़ेगा। ये क्या, ये कौन है, ये हरे हरे जानवर कौन है? अरे ये तो एलियंस है, लेकिन ये यहाँ, मेरे को पहले शक था लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर विश्वास भी हो गया है कि यहाँ पक्का एलियंस है। और अब मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि ना तो मैं फ़ोन लाया जिससे मैं मेरे दोस्त को फ़ोन कर सकूं, लेकिन अब मैं इनके पास जाता हूँ और देखता हूँ कि इनसे थोड़ा बात करके, इनकी लैंग्वेज आती तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आती है मेरे को। क्यों क्यों शक्ल खुआ, हे इंसान इंसान, अब इनको तो हिंदी आती है। हे पकड़ो इंसान, आया इंसान। अरे ये क्या, ये तो मेरे को पकड़ रहे। अरे यार बचाओ कोई बचाओ। अबे ये क्या, सुबह हो गई, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये क्या, ये तो वही बंकर है जो मैंने बाहर से देखा था, मैं इसके अंदर आ गया, यानी मेरा शक सही था, ये उनका ही बेस है। और अब मैं लगता है यहाँ से नहीं बचूंगा।